खान साहब को गिरफ्तार नहीं किया जा सकता, ये सिर्फ टेस्टर लगा रहे हैं, डरा रहे हैं, डरे हुए ये खुद हैं। शहबाज शरीफ आज मरियम आ रही है पाकिस्तान लंदन से, मूछ बहुत है, इनकी सलवारें गीली हो चुकी हैं। सैफरुल चैनल के प्यारे व्यूअर्स, मैं इस वक्त मौजूद हूं जमान पार्क पे और यहां पे जो पीटीआई के जो सपोर्टर्स हैं उनका जज्बा काबिले दीद है और इस वक्त यहां पे मेरे साथ एक साहब मौजूद है, आइए उनसे बात करते हैं कि वो क्या कहते हैं यहां की सूरत हाल के हवाले से। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम। मैं फैसलाबाद से आया हूँ खान साहब के लिए, खान साहब की हिफाजत दे रही है, हिफाजत तो अल्लाह की ज़ात करेगी, हम उसके सिपाही हैं। पीपी 116 से मैं एमपीए का उम्मीदवार हूँ फैसलाबाद से, इंशाअल्लाह ताला खान साहब के लिए खड़े हैं। खान साहब की किसी भी चीज़ को कोई लोटा चोर हाथ नहीं लगा सकता, इंशाअल्लाह ताला जो यहाँ से गुजरेगा वो हमारी लाशों से गुजरेगा, इंशाअल्लाह ताला हम अपने खान साहब के साथ। क्या आपको ये गुमान है कि खान साहब को गिरफ्तार किया जा सकता है? खान साहब को गिरफ्तार नहीं किया जा सकता, ये सिर्फ टेस्टर लगा रहे हैं, डरा रहे हैं, डरे हुए ये खुद हैं, इनकी सलवारें गीली हो चुकी हैं। ये किस चीज से डरे हुए हैं? ये खान साहब से डरे हुए हैं, ये अवाम से डरे हुए हैं, उनको पता है इलेक्शन हुआ तो खान साहब इनका बहुत बुरा हाल करेंगे। आज मरियम नवाज आ रही है, आप क्या कहते हैं सवाल? अस्तगफिरुल्लाह ला हौला वला कुव्वता। मरियम नवाज के लिए आप अखबार पढ़े, इसकी कोई वजह? ला हौला वला कुव्वता। और कुछ कहना चाहेंगे? मेरा ख्याल है इससे बड़ी कोई बात नहीं है, जिस बंदी का आपने नाम लिया है लाहौल वाला कुवत था, हमें बुजुर्गों ने यह समझाया हुआ है जब कोई बुरी शक्ल बुरा नाम सुने लाहौल वाला कुवत था पढ़े। ओके थैंक यू। वालेकुम अस्सलाम। क्या नाम है आप? जिले शाह। जिले शाह आप कहाँ से आए हैं? मैं लाहौर से हूँ। इमरान खान के कितने बड़े सपोर्टर हैं आप? बहुत बड़े। और मैं ये कहना चाहता हूँ जी कि ये खान है और ये पाकिस्तान है हमारा और ये है पाकिस्तान तरीके साफ, और मैं ये कहूँगा खान साहब के वर्गा कोई लीडर मैंने आज तक नहीं देखा, और मैं ये कहूँगा कि आई एम ग्रेट मैन और आई एम इमरान खान लीडर और ये शौकत खानम और यमन यूनिवर्सिटी ठीक है, उसके बाद पनागा, उसके बाद ये हेड गार्ड सेफ गार्ड 14 नहर 12 नहर और जो जो इसने किया, कोरोना आ गया पहला कोरोना, हमें निकाला कोरोने से, और मैं ये कहूँगा जाना सुना ना शहबाज शरीफ आज मरियम आ रही है पाकिस्तान लंदन से, मूछ पाओ अब ये तुम लोगों ने वजीराबाद में गोलियां मारी, ये फौज चौधरी को पकड़ के क्या तुम लोगों ने साबित किया, और ये रात को मैंने एक खबर देखी, ये सहादार ये कुत्ता या डॉलर कहता है 11 रुपये डॉलर नीचे आ गया है, और बगैरत और तुम बशर्म है, खान साहब जब वज़ीर-ए-आज़म थे ना 3 साल और उसकी गवर्नमेंट थी, उसके गवर्नमेंट में खान साहब की जब गवर्नमेंट थी ना उस पर 150 रुपये डॉलर था, आज डॉलर देखो, आज मकाई देखो, आज टमाटर देखो क्या भाव है, चीनी देखो क्यों देखो, गरीब आदमी क्या खाए, ये वो है बच्चों का सोचता है जिसका नाम है इमरान खान, ये हमारी नस्लों को आने वाली नस्लें सुधराएगा, और मैं ये कह रहा हूँ आखिर में F-flatty नॉट और अल्लाह इमरान खान को जिंदगी दे, अल्लाह इसको सेहत दे, अल्लाह इसको फिर मदीना पाकिस्तान बनाए, शुक्रिया। इमरान खान, इमरान खान, इमरान खान। जी क्या नाम है आप? मोहम्मद अशरफ, इंग्लैंड से आया हूँ, 20 साल हो गए उधर मेरे को, तारक आदमी को मैंने 7.5 करोड़ रुपया दिया है धरना रखा है, ये यूदियों का दंड है, इसने ना माझे कुरान जो मचल ली हुई है उसके अंदर करोड़ों रुपया इसने दिया। कौन ये यूदियों का कौन एजेंट है? ये तारक कादरी, इसने 17 साल की लड़की के साथ 2 साल शादी की है, मैं उधर ही होता हूँ, रहता कनाडा में, इधर 1 साल में खरीदा हुआ उसकी कमाई खा रहा, अभी बैंक लिया हमने 4 करोड़ का मर्चर डालने का, क्वीन ने बोला अभी क्वीन फोत हुई है, क्वीन ने बोला ये 5 फुट मेरी दीवार छोड़ दो, 20 फुट पीछे ले लो, आगे फुट मारी मारे 100 फुट की है, कहने ये छोड़ दो, मैंने बोला कार हम तेरी माँ के पास खड़े करें, उसने वो भी दे दी। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम सलाम। क्या नाम है आपका? फहीम नाम है मेरा। फहीम साहब कहाँ से आए हैं?
मैं गाजी रोड डिफेंस फोर्स से। तो आप इमरान खान के किस किस्म के सपोर्टर हैं? बस जी बहुत ज़्यादा, जब उसने पहली सीट जीता था हमने उसी वक्त इसको सपोर्ट करना शुरू कर दिया था और जज कर लिया था कि बस यही इंसान है जो इस मुल्क को बचाएगा। तो आपने ये क्या लगाया भाई? ये जो है अगर ये दो चीज़ें ना मुल्क में हुई ना, खुदा करे ये, खुदा ना करे मुल्क ख़त्म हो जाएगा। नहीं खुदा करे क्यों मुल्क ख़त्म हो, खुदा ना करे ये ख़त्म हो जाएगा, क्योंकि जो भी दुनिया में मुल्क आगे गया है ना वो इंसाफ के सिस्टम से गया है। जब तक आप इंसाफ कायम नहीं करेंगे ये मुल्क आगे नहीं जा सकता जो मर्जी करें। आपको कैसे लगता है कि इमरान खान यहाँ पे सब कुछ ठीक कर देगा? इमरान खान की एक तो बहुत दलेर है और वो कभी हार नहीं मानता, लास्ट बॉल तक वो फाइट करता है और यही बंदा हमें चाहिए जो दलेर हो, ईमानदार हो, तकड़ा हो। बहुत शुक्रिया।